बिग बॉस 18 के घर के अंदर वीकेंड के वार के एपिसोड की शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। शो के सेट से सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सलमान खान का गुस्सा इस बार फूटने वाला है दोस्तों ईशा सिंह पर। जी हाँ, ईशा सिंह पर जमकर गरजेंगे भी और जमकर बरसेंगे भी, और साथ ही साथ ईशा के सलमान खान आंखों से निकालने वाले हैं दोस्तों पूरी तरह से आंसू। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों कि ईशा की क्लास आखिरकार किस वजह से लगेगी, ये बात पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों बिल्कुल भी। ईशा की क्लास लगने की जो सबसे बड़ी वजह बनेंगे वो है दिग्विजय सिंह राठी, करणवीर मेहरा और विवेन सेना, अविनाश मिश्रा और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट घर होगा। अब इसके बाद आपको बताना चाहते हैं सलमान खान आखिरकार इस वीकेंड के वार के एपिसोड में ईशा को क्यों चुनेंगे, तो बताना चाहते हैं दोस्तों टीआरपीज बहुत ज्यादा हाई आ रही है। बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस के मेकर जो है अब जान चुके हैं कि आखिरकार किसके साथ जो है वो चलना है, सच के साथ चल रहा है। तो अभी तक बिग बॉस के मेकर स्पैम्पर कर रहे थे ईशा को, जिसकी वजह से टीआरपी नहीं आ रही थी, लेकिन अब बिग बॉस के मेकर जान चुके हैं कि ईशा जो कि इतनी गलत है उनको आईना दिखाना जरूरी है। अब बताना चाहते हैं सलमान खान सबसे पहले यहां कहते हुए नजर आएंगे, ईशा तुम्हारा नाम आखिरकार क्या है? ईशा बोलेंगी कि मेरा नाम ईशा सिंह है सर। इसके बाद सलमान खान कहेंगे तुम्हारा नाम ईशा नहीं बल्कि ईर्ष्या होना चाहिए, क्योंकि इस घर में इकलौती तुम ऐसी कंटेस्टेंट हो जो कि तुम सब किसी से जो है वो जलती रहती हो, और तुम्हारा एटीट्यूड टाइम गॉड बनने के बाद पूरी तरह से बदल चुका था, और तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर घमंड आ चुका था, तुमको ऐसा लग रहा था कि तुमने खुद जो है टाइम गॉड टास्क को जीतकर तुम टाइम गॉड बनी हो, जबकि सब लोगों को पता है कि तुम्हें टाइम गॉड बनाने वाले विवेन थे, अविनाश थे और साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरह से रजत दलाल थे जिनकी वजह से तुम टाइम गॉड बनी थी, लेकिन तुमने उनका भी लिहाज नहीं किया। जिस थाली में तुमने खाया उसी थाली में तुमने छेद किया, उन्हीं लोगों से तुमने बैर रखा। डायन भी तो सात घर छोड़कर वार करती है ना, लेकिन तुमने तो यहां पूरी तरह से अपने ही ग्रुप वालों को भी तुमने नहीं बख्शा, ये बात कहते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद बोलेंगे करणवीर मेहरा और दिग्विजय सिंह राठी के ऊपर तुमने जिस तरह से पर्सनल कमेंट पास किया वो तो शुक्र है कि करणवीर मेहरा और दिग्विजय सिंह राठी ने तुम पर पर्सनल कमेंट पास नहीं किया। अगर तुम पर पर्सनल कमेंट करते तो तुम लड़का लड़की वाला जो कार्ड है वो तुम खेल लेती, ये बात जो है वो कहते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद बोलेंगे कि तुम काफी ज्यादा बदतमीज हो और तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ये बात जो है वो कहते हुए सलमान खान ईशा को नजर आएंगे और कुछ सीक्रेट वीडियोस भी दिखाने वाले हैं। और सलमान खान यहाँ ईशा का झूठ को भी पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे और बोलेंगे कि तुम जैसी झूठी कंटेस्टेंट आज तक इस घर में बिल्कुल भी नहीं आई। और यहाँ पर ये भी बोलते हुए नजर आएंगे कि कब तक तुम अविनाश मिश्रा के कंधों पर बंदूक रखकर कब तक तुम गेम में आगे बढ़ोगी, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारा वजूद कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही साथ सलमान खान कुछ कमेंट्स भी जो कि घर के बाहर चल रहे हैं, घर के बाहर क्या बोल रहे हैं अविनाश मिश्रा ईशा के बारे में, ईशा सिंह के बारे में, वो बात जो है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद ईशा फूट फूट कर रोती हुई नजर आएंगी और बोलते हुए नजर आएंगी कि बिग बॉस मुझे इस घर से नहीं रहना, मुझे बिग बॉस मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना, मुझे इस घर से जाना है और मुझे इस घर में अब मजा नहीं आ रहा है, अब मुझे जाना है, ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आएंगे। सलमान खान बोलेंगे कि कौन आपको रोका है, कौन आपको रोका है, ये बात भी कहते हुए नजर आएंगे दोस्तों। तो फाइनली इसी पल का जो है इंतजार था बेसब्री से, वो पल आ गया, वो घड़ी आ गई, वो क्षण आ गया और सलमान खान इस पल और इस घड़ी इस क्षण में जमकर बैश करेंगे
ईशा की, और वहीं करणवीर मेहरा और दिग्विजय सिंह राठी बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप सभी दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर के अंदर। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।